क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसमें दिया हुआ है कि फिगर 6.35 में क्या है, दो ट्रायंगल बन रहे हैं और यह दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है, सिमिलर है, और कुछ एंगल्स के वैल्यू दिए हुए हैं और कुछ एंगल्स के वैल्यू हमें निकालने हैं। वन, ये दूसरा वैल्यू निकालना है, और ये हमें तीन, तीन वैल्यू यहाँ हमें ज्ञात करना है। इसमें देख रहे हैं यदि हम एम डी बी को एक स्ट्रेट लाइन माने, डी ओ बी, और इस पर यह लाइन सीओ लाइन आकर मिल रही है, तो क्या हुआ, फ्रॉम फिगर हम क्या देख रहे हैं, देख रहे हैं डी ओ बी इज ए स्ट्रेट लाइन। कैसा है, डी ओ बी इज ए स्ट्रेट लाइन, एंड और क्या है, सीओ लाइन जो है, एंड लाइन सीओ मीट्स ऑन ओ, और वो किस बिंदु पर मीट कर रहा है, ओ पर। इसलिए जो एंगल, दो एंगल बनेंगे, एक एंगल ए और यह एंगल, आपस में क्या होंगे, लीनियर पेयर एंगल होंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी स्ट्रेट लाइन पर कोई एंगल आकर साइड लाइन आकर मिलती है तो उससे जो एंगल बनते हैं उनके से हम क्या कहते हैं, लीनियर पेयर एंगल कहते हैं। और ये बनने वाले सारे एंगल का एड कितना होता है, सम टोटल कितना होता है, 180 डिग्री। इसलिए लिख सकते हैं एंगल बी ओ सी प्लस एंगल सी ओ बी इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये लीनियर पेयर एंगल है, ठीक है। अब इसलिए एंगल बी ओ सी प्लस सी ओ बी, सी ओ बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 125 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। इसीलिए एंगल टी ओ सी इक्वल टू 180 माइनस 125 इक्वल टू 55 डिग्री। यह हमारा पहला आंसर तैयार हो गया है, एंगल डी ओ सी, या जो पता करना था एंगल डी ओ सी, उसका वैल्यू आ गया 55 डिग्री, यानी इस एंगल का वैल्यू आ गया 55 डिग्री। अब दूसरे एंगल हमें पता करना है, डी सी ओ, दूसरा एंगल कौन सा पता करना है, डी सी ओ, डी सी ओ यह एंगल, इसको देखते हैं। इसके लिए हम चलते हैं इन ट्रायंगल ओ सी डी, इस ट्रायंगल में हम चलते हैं ओ सी डी, इस ट्रायंगल में, और हम जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का जो सम होता है वह 180 होता है। इसलिए हम लिख सकते हैं एंगल ओ सी डी प्लस एंगल सी डी ओ प्लस एंगल डी ओ सी इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, सम ऑफ मेजर्स, मेजर्स ऑफ ऑल द थ्री, ऑल द थ्री एंगल्स of a triangle is 180 degree। तो इस concept को यूज करते हुए यहां हम लिख लिए हैं, इसलिए एंगल ओ सी डी प्लस एंगल सी डी ओ, सी डी ओ का वैल्यू कितना है, 70 डिग्री, प्लस एंगल डी ओ सी,
जो अभी हमने ऊपर निकाला है, कितना निकाला है, 55 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। इसलिए एंगल OCD इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 55 और प्लस 70, यानी कितना हो गया 125 डिग्री इक्वल टू 55 डिग्री। यानी इस एंगल का भी वैल्यू हमारा कितना आया है, 155 डिग्री, और क्वेश्चन वन का भी आया था 55 डिग्री, इसका भी वैल्यू हमें आ गया 55 डिग्री, और इसका भी वैल्यू आया था 55 डिग्री। अब हमें एंगल OAB ज्ञात करना है, एंगल OAB, तो आइए देखते हैं। अभी देखते हैं थर्ड केस में, तीसरे को पार्ट के लिए हमें देखना है। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एंगल ODC, यह जो एंगल है एंगल ODC और एंगल OBA आपस में क्या है, सिमिलर है। तो फ्रॉम क्वेश्चन, ट्रायंगल ODC, ट्रायंगल ODC सिमिलर है ट्रायंगल इसके OBA का, और चूंकि कोई भी ट्रायंगल सिमिलर है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, सेम होंगे, इक्वल होंगे, और कोरस्पॉन्डिंग साइड्स उसके क्या होते हैं, सेम रेशियो में होते हैं। तो चूंकि हमें एंगल निकालना है, तो चूंकि ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं, इसलिए इनके कोरस्पॉन्डेंस एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसलिए हम लिख सकते हैं एंगल OAB सिमिलर टू एंगल OCD, क्यों, क्योंकि ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल है और कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, सिमिलर ट्रायंगल्स के कोरस्पॉन्डिंग एंगल हैं, और इसलिए वो दोनों इक्वल हैं। और COCD इस एंगल का वैल्यू हमने कितना निकाला था, 55 डिग्री, इसलिए 55 डिग्री। यानी तीसरे का भी आंसर हमारे कितना आ रहा है, 55 डिग्री। अब यहाँ एक कंसेप्ट देखने वाली बात है, एक कंसेप्ट आइए समझते हैं, इसमें एक कंसेप्ट छुपा हुआ है, वह कंसेप्ट क्या है। अब कंसेप्ट क्या है, देखिए दिया हुआ क्वेश्चन में दिया हुआ था ट्रायंगल, क्या दिया हुआ है, ट्रायंगल ODC सिमिलर है ट्रायंगल OBA का। और पहले भी कई बार हमने प्रत्येक क्वेश्चन में इस बात का जिक्र किया है, स्पेशली काफी जोर देकर, कि कभी भी ट्रायंगल को सिमिलर या कॉन्ग्रेंस में लिखना हो तो उसके वर्टेक्स का सीक्वेंस काफी महत्व रखता है, और यदि उसे ध्यान ना दिया जाए तो वह गलत हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन में दिया हुआ है, अब प्रश्न यह उठता है, अभी इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना था, एंगल OAB, तो हमने क्या कर दिया कि इसके करस्पॉन्डिंग किया एंगल OCD को, यानी OAB इस एंगल का हम करस्पॉन्डेंस किस एंगल से कर रहे हैं, OCD इस एंगल को। तो मन में ख्याल आता है या प्रश्न आता है या आपको डाउट पैदा होगा कि क्यों नहीं इसके बराबर हम OCD को ना करके एंगल ODC को क्यों नहीं किया गया, इस एंगल को ODC को एंगल A के करस्पॉन्डेंस के लिए एंगल D को क्यों नहीं लिया गया, इसे हमने क्यों नहीं लिया,
इसे ही लिया, क्यों लिया? तो इस प्रश्न का आंसर इसी सिमिलरिटी क्राइटेरिया में या सिमिलर लिखने के फैशन में छुपा हुआ है। क्या छुपा हुआ है इसे देखिए, यहां पर यह छुपा हुआ है ओडीसी और ओबीए। इसका मतलब है कि वर्टेक्स ओ जो है किसके क्रॉस्पॉन्डेंस है, वर्टेक्स ओ का, यानी एंगल ओ के क्रॉस्पॉन्डेंस है, और एंगल डी जो है एंगल बी के क्रॉस्पॉन्डेंस है। एंगल डी किसके क्रॉस्पॉन्डेंस है, एंगल बी के क्रॉस्पॉन्डेंस है, और एंगल सी जो है एंगल ए के क्रॉस्पॉन्डिंग है। अर्थात अब हम एंगल ओ ए बी, तो किस एंगल की बात कर रहे हैं, ओ ए बी ए एंगल की, तो ए एंगल किसके क्रॉस्पॉन्डेंस है, ए एंगल किसके क्रॉस्पॉन्डेंस है, एंगल सी को, इसीलिए इसका क्रॉस्पॉन्डेंस एंगल सी हमें ने लिखा ओ सी डी, और उसका वैल्यू चूंकि 55 डिग्री है इसलिए आंसर 55 डिग्री। इसीलिए हम ट्रायंगल ओ डी सी सिमिलर है ट्रायंगल बी ओ ए नहीं लिख सकते, ऐसा नहीं लिख सकते, जबकि ट्रायंगल ओ बी ए बोले या ट्रायंगल बी ओ ए बोले कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सिमिलर के केस में यदि लिखना हो तो इससे काफी फर्क पड़ जाएगा। क्यों पड़ जाएगा, इसका मतलब यह होगा कि एंगल ओ किसके क्रॉस्पॉन्डिंग है, एंगल बी के, जबकि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एंगल ओ किसके क्रॉस्पॉन्डिंग है, एंगल ओ के, और यहां से आएगा कि डी किसके क्रॉस्पॉन्डेंस है, ओ का, जबकि यहां है क्वेश्चन में डी किसके क्रॉस्पॉन्डिंग है, बी का, और सिमिलरली सी क्रॉस्पॉन्डेंस ए का, जो कि नहीं है। इसलिए इस बात का काफी ध्यान देना है जब भी आप कहीं भी मैथ में सिमिलर की क्राइटेरिया को, दो ट्रायंगल को सिमिलर लिख रहे हैं सिंबॉलिक फॉर्म में, तो उसके वर्टेक्स के या उसके एंगल के सीक्वेंस को काफी ध्यान देना चाहिए।